जमीन के अंदर थे वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे नरम नरम घास खाते थे और रात को अपने घरों में सो जाते थे वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे एक जंगल में एक सरोवर तू सरोवर किनारे भीनी जमीन थी त्या घना बदा ससला रहता था ससलाना दर जमीन नी, अंदर था आखो दिवस आमतेम कूदता रहता कूणु कूणु घास खाता ने रात्र सू जाता ते बता रहता था उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे जंगल के हाथी आ चढ़िया हाथियों तोफानी हाथी सूढ़ झाड़ी ना, ना, ना पौधे कुचल देते हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा તે પોતાના સૂંઢથી નાના નાના ઝાડ તોડી નાખતા છોડવાઓને કચડી નાખતા હાથીઓના બચ્ચા રમતા રમતમાં એકબીજાથી ક્યારેક એક નાનો હાથી નીચે હોય તો ક્યારેક બીજો હોય હાથી પાણી બહુ પ્યાર કરતે વે સૂંઢ મેં પાણી ભર કર નહાયા ફિર સરોવર કે કિનારે મીટી में लौटते नरम जमीन होने उनके भार से दब जाते साथ ही वह खरगोश परिवार भी दब जाते इससे खरगोश बहुत दुखी थे हाथियों ना पानी खूब गमे ते तो तुमने खबर अचासे ते वो सूंड में पानी भरी भरी ने नहा था पची सरोवर ना किनारे माटी में मा आड़ता नरम जमीन तेमना दबाई कुटुंब पण दबाई जाता आना ससला खूब दुखी था खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा कुछ चूने हुए खरगोश के साथ वह हाथी के सरदार के पास गया कुछ दूरी पर बैठ खरगोश के सरदार ने अपने आगले पांव उठाए उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया ससलाना वाने एक उपाय विचारियों के पसंद करेला ससला ने साथीओं आगे वन आगेवा तना झूंड सरदार थोड़े दूर बेसी ने ससला ने आगे वोता ने आगना पग ऊँचा ने नमस्कार करिया हाथी ये पण सुंड झूंड ने नमस्कार नो जवाब आप खरगोश सरदार बोला हम चांद के भांजे हैं चांद में आप, आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं हमारे कुछ भाई धरती पर रहते आए हैं। ससला ने आगे वालों बोले, अमित चंद्रना भान चाहिए, चंद्रमा तमे, हमारा भाई बंजुओं ने जो इसको छो, हमारा किटलक भाइयों पृथ्वीयु पर रहवावे चाहिए। मामा रोज सरदार सरोवर में आते हैं, हमसे मिले હવે આપશે નારાજ હે હાથી બોલા ક્યાં કયો નારાજ હે અમને ક્યાં ક્યાં હે મામા રોજ અમને મળવા સરોવરમાં આવે છે તે તમારાથી નારાજ છે હાથી બોલ્યો શું શા માટે નારાજ છે અમે શું કર્યું હવે તમને ખબર ના હોય તમે તો કોઈ શેતાની કરો તો તમને ખારા તો થાય ને ખરગોશ બોલા सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं आपके आने से सुराख दब गए जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है ससलो बोलियो सरोवर नी नजीक माटी में मा बखोल करीने अमे अमारा घर बनाव्या છે તમાર આવતી બખોલ દબાઈ ગઈ તેનાથી ચંદા મામાના ઘણા બધા ભાણેજ દબાઈ ગયા એટલા માટે તે તમારાથી ખૂબ નારાજ છે ખરગોશ આગળ બોલા વી રાત કો सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा स스로 આગળ બોલ્યો તે રાત્રે सरोवरમાં आवशे अने तेमना आ जोईने सारू नहीं लागे रात हुई पूर्णमासी का चांद निकला हव, हवा तेज थी सरोवर में हल्की हल्की लहर उठ रही थी चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था रात पड़ी પૂનમનો ચંદ્ર નીકળ્યો પૂનમનો ચંદ્ર તો તમે જોયો હશે ને ગોળ ગોળ આખો અને મોટો બધો પવન જોશથી વાતો હતો સરોવરમાં નાના નાના મોજા ઉછળી રહ્યા હતા ચંદ્ર મોજાની સાથે સાથે ઉપર નીચે થઈ રહ્યો હતો હાથી ઓર ખરગોશ વાહ પહોંચ ગયે ખરગોશ બોલા દેખીએ મહારાજ ચંદામામાં गुस्से से कांप रहे आप जल्दी से दूर चले जाइए लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं हाथी ने ससलो त्या पहुंची गया ससलो बोलियो जो महाराज ए हाथी ने महाराज पे जो महाराज चंदा मामा क्रोध थी काफी कामने तमे जल्दी ती दूर चले जाओ लगे मामा खूब नाराज थे हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा सभी डर गए थे सरदार ने अपनी ऊपर उठाई सभी हाथियों ने ऐसा ही किया अब सरदार बोला चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं क्षमा अट्ले के माफी

અને તમે અમને માફ કરો અમે હમણાં જ છો બીજા જંગલમાં ચાલ્યા જઈએ હવેથી બીજાઓને તકલીફ થાય એવું કામ નહીં તો ચાલો હવે આપણે અહીંયા પાઠ પૂરો થયો હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ સરોવર એટલે કે જેલ પરિવાર એક ઘર મેં વાલે લોગ બંધુ એટલે ભાઈ કુચલના એટલે દબાના ક્ષમા એટલે માફી સૂરક એટલે છેદ પૂર્ણમાસી જીસ રાત ચાંદ ગુલ હોતા હે ભાંજા એટલે બહેન કા લડકા સમીપ એટલે નજદીક અહીંયા આપણે સબdart જોયું હવે આપણે મુહાવરે જોઈએ ગુસ્સે સે કાપના એટલે કે ક્રોધિત થા તમે જ્યારે તોફાન કરો છો ત્યારે તમારા મમ્મી જ્યારે ખારા થઈને જોવે છે ત્યારે તેને ક્રોધિત થોના કહેવાય છે હવે આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો કરીએ એસ કહાની તીન ચિત્ર હર એક ચિત્ર સંદર્ભ મેં વર્ણન લીખ્યા આમાં તમને ત્રણ ચિત્ર આપેલ છે તેમાં તેનું આપણે વર્ણન કરીએ તો ચાલો પહેલું ચિત્ર કેનું હતું જેમાં ખરગોશને બધા લોકો શાંતિથી રહેતા હતા તેવું ચિત્ર હતું તો ચાલો તેનું વર્ણન જોઈએ चित्र में पाठ खरगोश दिखाई दे रहे हैं वे इधर उधर कूदते हैं कोई खरगोश खड़ा है कोई खरगोश बैठा है तो कोई खरगोश सोया है कुछ खरगोश आपस में बातें कर रहे हैं सभी खरगोश खुश है लेकिन एक सरदार खरगोश नाराज बैठा है हमें अपने बीजु चित्र जुयुत एक हाथी बीजा त्रन चार खरगोश आरोप वर्णन जो दूसरे चित्र में हाथियों का सरदार है सामने तीन खरगोश बैठे हैं खरगोश ने अपने आगे वाले पैर उठाए हैं हाथी ने अपनी सूंड उठाई है खरगोश हाथियों की शरारते के बारे सरदार से विनती कर रहे हैं सरोवर के पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है जमीन पर छोटी घास है और आकाश में बादल दिखाई दे रहे अभी रीते तीजु चित्र जी ने आनु रफ बुक लखवा बीजू जो है मुहावरे के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए तो फूल न सामना अत्यंत सुख होना तो आ मुहावरों ना विकल्प जो है हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूल न समाया मुनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूल न समाई सेठ पान चंद की जायदाद लूट गई इसलिए वे फूल न समाये તો આમાં બીજો વિકલ્પ સાચો છે કેમ કે મોનાલી સ્કૂલમાં પ્રથમ નંબર આવી એટલે ફૂલને સમાય કારણ કે તે સ્કૂલમાં નંબર આવવાથી તે ખુશ થઈ ગઈ એટલે આમાં બીજો વિકલ્પ સાચો છે હવે બીજો વિકલ્પ બીજો પ્રશ્ન છે ઊંચે ચઢના એટલે પ્રગતિ કરના તો ચાલો ચાલો તેના વિકલ્પ જોઈએ દીપાલી અંગ્રેજી વિષય મેં દિન પ્રતિદિન ઊંચે ચઢના चाहती है हितेश एक की कक्षा में दो साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता है बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ना का खेल खेलते तो आ त्रय विकल्प में थी पेलो विकल्प साचो है कारण के दीपाली अंग्रेजी विषय में प्रति दिन प्रतिदिन एले हमेशा ने दिवसे दिवसे आगती रहे हे आप तीस्रो प्रश्न जोइए अभिवादन करा એટલે કે સત્કાર કરને તો આલો આપણે વિકલ્પ જોઈએ આયુષિને વક્તृत्व स्पर्धा મે અચ્છા વાક્તવ્ય દિયા ઇસલિયે ઉસકે પિતાને દર્શન કુમારને uska અભિવાદન કિયા તનિશ આમ ખા રહા થા इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया शिल्पा दौड़ में हार गई इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया आ त्रय विकल्प में थी विकल्प, साचो विकल्प छे है कारण के आयुषी वक्तृत्व स्पर्धा एट के निबंध स्पर्धा में सारूँ एवं निबंध बोली एट्लेना पिताए दर्शन कुमार અભિવાદન કર્યું એટલે કે સત્કાર કર્યું એટલે પહેલો વિકલ્પ સાચો છે હવે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ ચિત્ર देखकर कहानी कह तो ચાલો આપણે ચિત્ર જોઈએ તો તેના हिसाब से वार्ता કહીએ પહેલું ચિત્ર તેમાં શું કહેવા માંગે છે કછુઆ ઓર ખરગોશ કે બીચ સ્પર્ધા હોય તો ચાલો તેના વિશે થોડું वार्ता કહીએ एक जंगल था उसमें एक खरगोश रहता था उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था उसी जंगल में एक तालाब में एक कछुआ भी रहता था खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था एक बार उसने कछुए से साथ दौड़ने की शर्त लगाई हमें बीजू चित्र जो खरगोश तेज दौड़ रहा था तो तेनाधर आपड़े करिए दौड़ शुरू हुई खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया आगे जानकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है उसने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया कछुआ धीरे धीरे चलता रहा वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया खरगोश ने जानकर देखा कि कछुआ लक्ष्य के पर पहुंच गया इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया तो आ कहानी ऊपर थी अपन ने सीख मड़े थे तो कि खमंड का परिणाम हमेशा बुरा होता है इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाकर लिखो तो चलो तेना आप प्रश्न पहला प्रश्न खरगोश को किस बात का घमंड था बीजो प्रश्न बनाविए कछुआ कैसे चलता था त्रीजो प्रश्न बनाविए कछुआ और खरगोश के बीच किस बात की स्पर्धा हुई चौथो प्रश्न खरगोश ने कछुए से आगे जानकर क्या किया पांचवा प्रश्न स्पर्धा में जीत किसकी हुई छठो प्रश्न इस कहानी से क्या सीख मिलती है आ तुम्हारे तुम्हारा मित्र ने पूछवाना है अँ आप पूरु करे